नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प सिंह। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर में काम करते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये सीरीज Q&A सीरीज का पार्ट है। तो आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि IUI क्यों फेल होता है। शुरुआत में ही बताना चाहूंगा कि IUI का सक्सेस रेट 10-15% के बीच होता है। तो अगर 100 लोग कराएंगे तो 10-15 में IUI सक्सेस हो जाएगा। उसको आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो IUI फेल होने का चांस 85-90% है। तो अगर कोई IUI कराता है तो ज्यादा चांस है कि वो फेल होगा, सक्सेस होने का चांस 10-15 है। पर फिर भी IUI एक अच्छा इलाज है क्योंकि वो कम खर्चे में हो जाता है और आपके केस के हिसाब से ज्यादा सक्सेस देता है। जब ये फेल होता है तो मरीज पूछते हैं भाई क्यों फेल हुआ। तो उसके फेल होने के कारण या तो हस्बैंड्स के रिलेटेड हो सकते हैं, पुरुषों से रिलेटेड, या लेडीज से, वाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? मान लीजिए कि हस्बैंड की एज अगर ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, तो स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से IUI फेल हो सकता है। अगर उनमें शुक्राणु की मात्रा में कमी है या उसकी क्वालिटी गड़बड़ है या मोटिलिटी कम है, मूवमेंट कम है शुक्राणु का, तो फिर IUI फेल होने का चांस ज्यादा रहता है। कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है जिसमें DNA डैमेज स्पर्म्स के बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं DNA फ्रेगमेंटेशन की है। 100 में से कितने स्पर्म्स के DNA एबनॉर्मल है ये हमको अलग से जांच करनी पड़ती है, तभी पता चलता है। तो अगर ये एबनॉर्मैलिटी भी होती है तो भी IUI का सक्सेस कम हो जाता है। अब आते हैं कि महिलाओं में क्या कारण होता है। सबसे जरूरी उनकी उम्र। तो अगर एज ज्यादा है तो IUI का चांस कम रहेगा सक्सेस का। तो अगर आप एक 30 साल की महिला का करें IUI और एक 40 साल की, तो 30 साल की महिला का ज्यादा हाई सक्सेस होगा, 40 साल का कम होता है काफी, क्योंकि उम्र का एक क्वालिटी पे और एक नंबर पे बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलावा अगर आपको पहले कोई भी प्रेगनेंसी हो के रखी है, पहले आपको या तो बच्चा हुआ है या मिसकैरेज हुआ है, तो आपका चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर मान लीजिए आपकी शादी को काफी समय हो गया है, 5 साल से ऊपर हो गए, तो फिर IUI करने का चांस कम है, सक्सेस का चांस कम है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि पेट के अंदर कुछ और दिक्कतें हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि अंडाशय या ट्यूब जो है वो आसपास के अंगों में चिपक जाती है, जिसको एडेशंस बोलते हैं, उन कंडीशन में भी IUI का चांस कम रहता है सक्सेस का। तो बताने के लिए तो 50-60 कारण हो सकते हैं जिसमें कि IUI फेल हो सकता है। मेरा सजेशन है कि इतनी आप लोग चिंता ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपका हक है पता करना कि आपने कोई प्रोसीजर कराया है तो उसके फेल होने का कारण क्या है। ये हमारी जवाबदारी है आपको बताना कि इसके फेल होने का कारण क्या है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। इस विषय के रिलेशन में या और किसी विषय में अगर आपके कोई भी सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का उत्तर देने का। तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह, हम लोग यामी IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर इंदौर में काम करते हैं, विजयनगर में। अगर आपको कोई भी हमसे कंसल्टेशन चाहिए, अगर हम किसी भी तरह से आपकी मदद कर सके, प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करिए। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। नमस्कार।